नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 20 जुलाई थर्सडे यानी गुरुवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। आज के दिन आपने कौन सा उपाय करना है? इंजॉय तो खूब सारा करते हैं, बर्थडे है, सेलिब्रेशन तो बहुत सारा होता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और रक्षा का ध्यान नहीं है आपको? कहाँ गया आपका ध्यान? दूसरी पार्टियों पे जा रहा है, कौन आया, कौन गया, कौन गिफ्ट देके गया, कौन नहीं देकर गया। लेकिन आपका सबसे पहला कर्तव्य है अपनी खुशियों को बचाना, अपनी खुशियों का ध्यान रखना, एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए। तो आपने ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों को प्यार, और साथ में करिए इस उपाय को। गुरुओं या फिर गुरुओं रूपी व्यक्तियों को आपने मिठाई ज़रूर देनी है आज के दिन। जा करके मुँह मीठा करवाना है उनका और चरण छू करके आशीर्वाद ले लेना है। इसके अलावा आप जिसका भी जो सहयोग करना चाहते हैं, अन्न का सहयोग, वस्त्र का सहयोग, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय आपने ज़रूर करना है। लेकिन ये उपाय सिर्फ आपने नहीं करना है, बहुत सारे लोगों को भी देना है। आगे भी स्प्रेड कर दीजिएगा, अपनी फोटो में शेयर कर रहे होंगे, इस लिंक को भी आज के दिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। आशीर्वाद लीजिए बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। हमारी ओर से और हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। ग्रहों की बात करेंगे, गोचर की बात करेंगे, राशियों का हाल होगा, लेकिन लकी अक्षर भी होगा। पहले बात होगी ग्रहों की। सूर्य रहेंगे कर्क राशि में, 3 डिग्री के हैं, बुध के साथ रहेंगे। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राज योग होता है। चंद्रमा सिंह राशि में, 1 डिग्री के हैं, शुक्र और मंगल के साथ रहेंगे। मंगल सिंह राशि में, 12 डिग्री के हैं, शुक्र और चंद्रमा के साथ रहेंगे। बुध कर्क राशि में, 22 डिग्री के हैं, सूर्य के साथ रहेंगे। गुरु 18 डिग्री के हैं, मेष राशि में, राहु के साथ रहेंगे। शुक्र सिंह राशि में, 4 डिग्री के हैं, मंगल और चंद्रमा के साथ रहेंगे। शनि कुंभ राशि में है, 12 डिग्री के हैं, शनि रेट्रो यानी वक्रीय चाल में चल रहे हैं, और वक्रीय चाल के शनि से हर कोई डरता है, और दूसरे डरते हैं राहु और केतु से। राहु मेष राशि में, 5 डिग्री के हैं, गुरु के साथ हैं। केतु तुला राशि में, 5 डिग्री के हैं। अब देखिए कितनी फास्ट इनकी डिग्री जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ये बहुत जल्दी राशि बदलने वाले हैं, घर बदलने वाले हैं। हर किसी को डर रहता है राहु से डरने का, भाई होना भी चाहिए, मैलेफिक प्लैनेट है, कहीं ना कहीं एडवर्स रिजल्ट तो देता ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी होता है ये, वो एक अलग फैक्टर है, बताएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे आपकी राशियों की, और साथ के साथ बात होगी आपके लकी अक्षर की। सबसे पहले राशियों की बात करते हैं। एरीज मेष राशि वाले, व्यापार से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान आपके निकल जाएंगे। अब यानी आपकी जितनी उथल पुथल मची हुई थी वो सारी की सारी ठीक हो सकती है। अपने से छोटों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्ती में खटास आ सकती है, तो वाद विवाद ना करें, बहस ना करें। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं। बॉस की बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। यस बॉस कर दीजिए आज के दिन, कुछ भी कहें मान लीजिएगा। शुभ समाचार आपको अचानक से कहीं से मिल सकती है, अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ मिल सकती है। बेवजह के झगड़ों, जो दूसरों के झगड़े चल रहे हैं, तो उसमें जाकर के घुसने की ज़रूरत नहीं है, तो आज के दिन झगड़े से दूरी बना करके रखें। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं। बड़ों के आशीर्वाद से आज किसी भी कार्य को करेंगे तो वो पूरा होगा। हर काम में सफलता मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव भी रहने की ज़रूरत है, चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। मन लगा करके काम करें, कुछ नया काम भी आज के दिन आपको मिलने वाला है, और इसी इंप्रेशन से मिलने वाला है कि आप फोकस होकर के काम करते हैं। अगर इधर उधर माइंड किया तो काम हाथ से निकल सकता है। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं। ईमानदारी से काम कीजिएगा, फ़ायदा ज़रूर होगा, देर सवेर हो सकती है, लाभ ज़रूर होता है। महिलाएं थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। प्रमोशन के योग हैं, अचानक आपको प्रमोशन की खबर मिल सकती है। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात करते हैं।
अचानक आपको गुस्सा आ सकता है और भयंकर गुस्सा आ सकता है, लेकिन इस गुस्से से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर आपकी राशि ये है, आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने गुस्से को आज के दिन थूक दीजिए। खरीदारी, कुछ शॉपिंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, थोड़ा माइंड भी आपका डाइवर्ट हो सकता है। इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में गलत फैसला मत लीजिएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कन्या यानी वर्गों की बात करते हैं, किसी से बेवजह बहस मत कीजिएगा आज के दिन। हर काम को ध्यान से करने का प्रयास कीजिए। यात्रा पर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं, वाहन के चलते, गाड़ी के चलते विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों की ओर खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो आपके ATM, PTM कार्ड जितने भी हैं उनके ऊपर खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर काम को ध्यान से कीजिएगा और हर काम में सफलता मिल सकती है आपको। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हैं आज के दिन तो आज का दिन टाल दीजिए। बच्चों के साथ बहस ना कीजिएगा, कुछ खास बात सुन ली तो मन खराब हो सकता है आपका। आपके हुनर के चर्चे होंगे, आपके जो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, जो आपकी एक खासियत है, उसकी कहीं ना कहीं तारीफ होगी आज के दिन, और ये तारीफ होगी आपके सहयोगियों के साथ, और बहुत अच्छा होता है। एप्रिसिएशन जो होता है हर किसी को पसंद होता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, स्वार्थी रिश्तों से ज़रा दूरी बना करके रखिएगा। प्रतियोगिता में सफलता के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ आपकी हार भी होने वाली है, माफ़ी भी आप ही को माननी पड़ेगी। तो क्यों हम ये इस तरफ जाएं, कोशिश करें कि झगड़ा ही ना करें। तो आज के दिन आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा नहीं करना है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन। ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, यादों से बाहर निकलने का प्रयास कीजिएगा। क्रोध आपके काम बिगाड़ सकता है। पैसा उधार में किसी को ना दें आज के दिन। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून। मैरून रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, झूठ बोलने वालों से ज़रा दूरी बना करके रखें। बुजुर्गों को परेशान ना करें, इनफैक्ट उनके साथ कुछ समय आज के दिन ज़रूर बिताएं। काम में अगर पार्टनरशिप करने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन पूरी तरह से डाल दीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी से ना जलें, अपने काम की तरफ ध्यान दें। दिन आपका व्यस्तता बहुत बिजी रहने वाला है। नया काम करने जा रहे हैं आज के दिन तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ही काम शुरू करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। लकी अक्षर, कल का लकी अक्षर कौन सा है? कल है 21 जुलाई, शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है, और लकी अक्षर बनता है आपका त, तबीयत वाला त। इत्र से आपने इस अक्षर को लिखना है इंडेक्स फिंगर के ऊपर, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप लिख दीजिए त, इत्र से लिखिएगा और अपने काम पे निकल जाइए। दिन आपका अच्छा रहेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी और काम भी बनेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। हर सुबह हम 6 बजे राशिफल के साथ हाजिर होते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर से आप ही के राशिफल के साथ हाजिर होंगे, और साथ के साथ आपने अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं जो नंबर फ्लैश किए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। तो कल सुबह 6 बजे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।